केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली देहरादून और दिल्ली हरिद्वार के लिए नई सड़कों पर काम कर रहा है। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। इस नए प्लान के मौजूदा समय में जो सफर 5 घंटे में पूरा होता था वो करीब 2 घंटे कम हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे 2 साल के भीतर शुरू कर दिया जाएगा, जिससे दोनों शहरों के बीच की दूरी 727 किलोमीटर से घटकर 572 किलोमीटर हो जाएगी। मंत्री ने कहा कि इस नए एक्सप्रेसवे के जरिए 6 घंटे में दिल्ली से कटरा पहुंच जाएंगे। इसके अलावा नितिन गडकरी ने रतलाम में बन रहे 8 लेन दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के मध्य प्रदेश सेक्शन का जायजा लेंगे। यह एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 8,437 करोड़ रुपए है, जो कि अगले साल नवंबर में पूरा होने वाला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मंदसौर 102 किलोमीटर, रतलाम 90 और झबुआ 52 किलोमीटर से होकर गुजरेगा। मध्य प्रदेश यह एक्सप्रेसवे कुल 245 किलोमीटर का होगा। 8 लेन एक्सप्रेसवे में एमपी के 3 जिलों में 214 पुल, 511 पुलिया, 100 छोटे और बड़े अंडरपास और 7 टोल बूथ बनाए जाएंगे। बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम 2018 में शुरू कर दिया गया था। 9 मार्च 2019 को इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। 1380 किलोमीटर में से 1200 किलोमीटर से अधिक के ठेके पहले ही दे दिए जा चुके हैं। नए एक्सप्रेसवे से दिल्ली और मुंबई के बीच का सफर 24 घंटे के बजाय घटकर 12 घंटे का हो जाएगा और इसकी करीब 130 किलोमीटर हो जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के मुताबिक हाईवे के किनारे करीब 20 लाख पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।